ओम प्रताप राजगढ़ जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ जय सुहलदेव ओम प्रताप राजगढ़ जिंदाबाद ओम प्रताप राजगढ़ जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ ओम प्रताप राजगढ़ जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ जय सुहलदेव हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो ओम प्रताप राजगढ़ जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद राजगढ़ जिंदाबाद दोस्तों मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आपको बता दें कि आज सावधान यात्रा है सोहेलदेव समाज पार्टी की। बड़ी तादाद में अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर बाजार में आज रैली होनी है सावधान यात्रा लेकर। प्रदेश के नेता सोहेलदेव समाज पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राजभर जी। हरेंद्र राजभर जी, आप आज रैली में आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम लोग एकदम कंधे से कंधा, एकदम जी जान से मिलकर के ओम प्रकाश राजभर जी के मिशन को, गरीब के मिशन को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमको बहुत ये समझिए कि बहुत ही खुशी है, जो हम खुशी का इजहार नहीं कर सकते जी। युवा मोर्चा के आप प्रदेश महासचिव हैं और अभी बीते दिनों ही सपा के साथ चुनाव लड़े मिलकर। आने वाले आप दिनों में क्या समझा जाए, आपके नेता भाजपा के साथ जा सकते हैं? अब नेता जी जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। नेता जी जहाँ रहेंगे, अगर नेता जी हमारे कुआं में रहेंगे तो हम कुएं में रहेंगे, और हमारे नेता किसी दल के साथ रहेंगे हम स्वागत नेता करते हैं कि हमारा नेता जहाँ रहेगा हम वहीं रहेंगे। अखिलेश सरकार आरोप लगा रही है कि ओम प्रकाश धोखेबाज हैं जी, जब चुनाव आता है मौका देख के चौका मार लेते हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी धोखेबाज नहीं है, वो हमेशा दबे कुचलों की बात करते हैं, जो बात करता उनके साथ जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर को लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं। अभी बीते दिनों 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव में सोहेलदेव समाज पार्टी ने सपा के साथ चुनाव लड़ा मिलकर, उसके ऊपर आरोप लगा कि वो टिकट बेच दी समाज के साथ, धोखा दिया और टिकट बेच के काम किया। ओम प्रकाश राजभर टिकट नहीं बेचते, ओम प्रकाश राजभर हमेशा गरीबों के लिए और गरीबों को लड़ाने का काम करते हैं, सबका सम्मान देते हैं, भागीदारी देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। उनके ऊपर तो ब्लेम लगाने वाले जो पार्टी में रहते हैं तब तक तो ओम प्रकाश राजभर जी उनको अच्छे लगते हैं, और जब बाहर चले जाते हैं तो आरोप लगाते हैं। हर पार्टियों के नेता ऐसे ही आरोप लगाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। आरोप जब जिसको रहना रहता है साथ में, तब तक कोई बुराई नहीं नज़र आती। जैसे पार्टी से बाहर जाते हैं तैसे पैसे का आरोप लगाते हैं और तमाम तरह का परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ये तो चल ही रहा अनवरत, हम लोग देख ही रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं। राजभर जी, आप प्रदेश के युवा मोर्चा के नेता हैं और हम आरोप ये लग रहा है, सपा आरोप लगा रही सावधान यात्रा के दौरान ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के बाजार गर्म कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में अपना सौदा करने के लिए ऐसी यात्रा निकालेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये पार्टी है, पार्टी अपना जनाधार नहीं दिखाएगी तो सत्ता की तरफ कैसे जाएगी। तो हमको अपना जनाधार, जो अपना काम, अपने संगठन को मजबूत करना, वो हम कर रहे हैं। इस पर कोई प्रक्रिया दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ अपना काम करना है तो काम करना अपना पार्टी का। तो क्या मानते हैं कि आने वाले केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी होगी जो भी ओम प्रकाश राजभर की? अब हमारे सब नेताजी जानते हैं, अब जो हिस्सेदारी होगी जहाँ भी होगी, जहाँ हिस्सेदारी होगी तहाँ नेताजी रहेंगे, तो जहाँ नेताजी कहेंगे वहाँ हम लोग तहे दिल से नेताजी का पास। सावधान यात्रा को क्या समाज को मजबूत करने के लिए यात्रा मानी जाए कि सभी को जोड़ने के लिए मानी जाए? ये सावधान यात्रा सभी को जोड़ने के लिए है, सभी समाज के, सभी समाज को जोड़ने का कार्य है। हरेंद्र राजभर जी थे जो युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि ये सावधान यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए, ना कि समाज को तो जोड़ ही रहे ओम प्रकाश राजभर जी हमारे नेता हैं, उसके साथ साथ सभी दबे कुचलों की आवाज़ को पदयात्रा के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खैर, जो भी हो, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, तो अब देखना होगा कि सावधान यात्रा के जरिए सोहेलदेव समाज पार्टी क्या गुल खिलाती है। अंबेडकर नगर राजभर अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और काफ़ी अहम भूमिका होगी लोकसभा चुनाव में। इससे पहले नगरी चुनाव है, नगरी चुनाव में
पार्टी बड़ी अच्छी भूमिका के साथ लड़ने की फिराक में है। अगर ऐसा हुआ तो सपा की समीकरण बिगड़ते हुए नजर आएंगे। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, TV7 न्यूज यूपी से, न्यूज यूपी से सहयोगी पंकज शर्मा के साथ अंबेडकर नगर। ओम प्रकाश राजभर जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जय सुहलदेव, जय सुहलदेव। ओम प्रकाश राजभर जी, जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ओम प्रकाश राजभर जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जय सुहलदेव, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। ओम प्रकाश राजभर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद राजभर, जिंदाबाद। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज यूपी का संपादक, आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल YouTube को बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।